सभी को नमस्कार। और जैसा कि हम लोग मेंस का पेपर देख रहे हैं UPPCS का, और आपका मेंस होने वाला भी है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 2022 का GS पेपर सेकंड का देखा जाएगा, और इसमें देखा जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन UPPCS में मेंस में पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पेपर आपका 3 घंटे का होता है और अधिकतम अंक 200, ठीक है। कुल 20 प्रश्न होते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और बी में, और दोनों सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन 125 वर्ड में, और सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन 200 वर्ड में आपको करना होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं, ई गवर्नेंस से संबंधित है। ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की मुख्य विशेषताओं को आप बताएं। तो उमंग योजना इसमें बतानी थी। गरीबी और भूख के कारण क्या हैं, इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियाँ लागू की गई हैं। नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है उसको बताना था, आर्टिकल 21, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यों एवं संबंधों पर विचार करना था, यानी कि चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बीच क्या संबंध होते हैं इसको बताना था। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करना था। लोक अदालतों ने भारतीय विधिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई है इसको स्पष्ट करना था। ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए, तो ये बताना था आपका यहाँ से क्वेश्चन। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारणों की विवेचना करना था। भारत नेपाल के संबंध विवादास्पद मामले कौन से हैं इसकी विवेचना करनी थी, यानी कि भारत नेपाल के मध्य कौन से विवादास्पद संबंध है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पर है ये आपको बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूहों की चुनौतियों की विवेचना कीजिए, इनको और इसको प्रभावकारी एवं लाभकारी बनाने के साधन क्या हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य का वर्णन करते हुए बताइए कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल है। नीति आयोग के उद्देश्य एवं संरचना की व्याख्या कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या हैं। क्या समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं, इस संदर्भ में प्राकलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी का जो है कि विवेचना करना था। भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है ये बताना था। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की अपनी संभावनाएं और सीमाएं क्या हैं परीक्षण करना था। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए यह बताना था। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं व सुधारों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखनी थी। भारत और अमेरिका के बीच विवाद और सहयोग के क्षेत्र क्या हैं चर्चा करना था। भारत के समस्त विकास में विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन करना था। तो ये आपका जो है कि GS पेपर 2 से इस प्रकार से प्रश्न जो है कि पूछे गए थे। थैंक यू।